हेलो फ्रेंड, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखना। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। यहाँ पर कह रहा है, मुझे लगता है तुम जानते हो मैं क्या करने वाला हूँ। मुझे लगता है तुम जानते हो मैं क्या करने वाला हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे आई थिंक यू ऑलरेडी नो व्हाट आई एम गोना डू। आई थिंक यू ऑलरेडी नो व्हाट आई एम गोना डू। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मैं जानता था तुम ऐसा ही कहोगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई न्यू यू वुड से दैट। आई न्यू यू वुड से दैट। मैं जानता था तुम ऐसा ही कहोगे। आई न्यू यू वुड से दैट। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ। दैट्स वाई आई एम गोना टेल यू समथिंग। दैट्स वाई आई एम गोना टेल यू समथिंग। इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ। दैट्स वाई आई एम गोना टेल यू समथिंग। देखो, मेरा कुछ भी सुनने का इरादा नहीं है। लुक, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ लिसनिंग एनीथिंग। ये बोल रहा है ना, दैट्स वाई आई एम गोना टेल यू समथिंग, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ। तो इसके जवाब में बोल रहा है आई लुक लुक देखो, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ लिसनिंग एनीथिंग। मेरा कुछ भी सुनने का कोई इरादा नहीं है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ लिसनिंग एनीथिंग। यहाँ पर चल क्या रहा है? वट द हैल इज़ गोइंग ऑन हेयर। सो फ्रेंड, गोइंग वट द हैल इज़ गोइंग ऑन हेयर हम तब यूज़ करते हैं इन हेयर जब आप कुछ बात कह रहे हो, वो भी गाली दे के। हम हिंदी में बोलते हैं ना गाली दे के, भाई क्या हो रहा है यहाँ। तो इसी तरीके से इंग्लिश में बोलते हैं हेल का यूज़ करके, वट द हैल इज़ गोइंग ऑन इन हेयर। यहाँ पर चल क्या रहा है? वट द हैल इज़ गोइंग ऑन इन हेयर। नेक्स्ट होगा, यहाँ कुछ गड़बड़ है। इससे बता रहा है समथिंग इज़ रॉन्ग हेयर। समथिंग इज़ रॉन्ग हेयर, यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो इस पर कह रहा है, तो तुम चाहते हो कि मैं उस परेशानी को दूर करूँ। सो यू वॉन्ट मी टू फिक्स दैट प्रॉब्लम। सो यू वॉन्ट मी टू फिक्स दैट प्रॉब्लम। तुम चाहते हो मैं उस परेशानी को दूर करूँ। सो यू वॉन्ट मी टू फिक्स दैट प्रॉब्लम। दैट्स वाई आई नीड यू, इसलिए तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। दैट्स वाई आई नीड यू। दैट्स वाई आई नीड यू। मैं जानता हूँ मुझ पर तुम्हारा बहुत एहसान है। सो फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सेंटेंस है। जब भी हम कहते हैं कि मैं जानता हूँ मुझ पर तुम्हारा बहुत एहसान है, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई न्यू आई ओ अ लॉट टू यू। आई न्यू आई नो आई नो आई ओ अ लॉट टू यू। मैं जानता हूँ मुझ पर तुम्हारा बहुत एहसान है। आई नो आई ओ अ लॉट टू यू। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, लेकिन मैं तुम्हारी अब मदद नहीं कर सकता, अब और मदद नहीं कर सकता। बट आई कॉन्ट हेल्प यू एनी मोर। ये कह रहा है कि मुझ पर तुम्हारा बहुत एहसान है, बट आई कॉन्ट हेल्प यू एनी मोर। मैं तुम्हारी अब और मदद नहीं कर सकता। इस पर कह रहा है, नो प्रॉब्लम आई डू समथिंग एल्स टू सॉल्व इट। ये कह रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसे हल करने को कुछ और करूँगा, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ और करूँगा। नो प्रॉब्लम आई डू समथिंग एल्स। समथिंग एल्स यानी कुछ और, टू सॉल्व इट इसे हल करने के लिए। आई डू समथिंग एल्स टू सॉल्व इट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, ये तुम्हारे ऊपर है। सो फ्रेंड, काफ़ी यूज़फुल है। कह रहा है इट इज़ अप टू यू। इट इज़ अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है वेदर यू हेल्प अस और नॉट। वेदर यू हेल्प अस और नॉट, चाहे तुम हमारी मदद करो या नहीं। इट इज़ अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है वेदर यू हेल्प अस और नॉट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ याद दिलाने दो। तो जब भी हम किससे कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ याद दिलाने दो, तो इंग्लिश में बोलेंगे बट लेकिन बट लेट मी रिमाइंड यू समथिंग। बट लेट मी रिमाइंड यू समथिंग, मुझे तुम्हें कुछ याद दिलाने दो। आई वॉज द वन हु हेल्प यू व्हेन यू वर इन नीड। मैं ही था वो जिसने तुम्हारी ज़रूरत में मदद की थी। मैं ही था जिसने तुम्हारी ज़रूरत में मदद की थी। इंग्लिश होगी आई वॉज द वन हु हेल्प्ड यू व्हेन यू वर इन नीड। आई वॉज द वन हु हेल्प्ड यू व्हेन यू वर इन नीड। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा एहसान नहीं उतार सकता। इस इंग्लिश बोलेंगे आई नो आई कॉन्ट रिपे यू योर फेवर। आई नो आई कॉन्ट रिपे योर फेवर। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा एहसान नहीं उतार सकता। आई नो आई कॉन्ट रिपे योर फेवर। फिर आगे बोल रहा है, लेकिन मेरे पास करने को और भी काम है। सो फ्रेंड, जब भी हम कहते हैं कि हमारे पास करने को और भी काम है, हम बोलेंगे आई हैव अदर थिंग्स टू डू। आई हैव अदर थिंग्स टू डू, ये कह रहा है बट आई हैव अदर थिंग टू डू, लेकिन मेरे पास करने को और भी काम है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास करने को बहुत काम हो सकते हैं। आई नो आई नो, यहाँ फ्रेंड आई नहीं होगा, आई नो के बाद होगा यू माइट। सो फ्रेंड, यहाँ सॉरी इसके लिए यहाँ यू की जगह आई लिखा गया। तो कह रहा है आई नो यू माइट हैव मैनी थिंग्स टू डू। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास करने को बहुत काम हो सकता है। आई नो यू माइट हैव मैनी थिंग्स टू डू। आई नो यू माइट हैव मैनी थिंग्स टू डू। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास करने को बहुत काम हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम पहले इसे करो। जब भी हम कहते हैं कि तुम मैं चाहता हूँ पहले इसे करो, हम बोलेंगे आई वॉन्ट यू टू डू इट फर्स्ट। आई वॉन्ट यू टू डू इट फर्स्ट, मैं चाहता हूँ तुम पहले इसे करो। आई वॉन्ट यू टू डू इट फर्स्ट।
मुझे कोई अच्छी वजह बताओ मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। ये कह रहा है या कोई एक अच्छी वजह बताओ मैं तुम्हारी मदद करूं क्यों करूं। गिव मी वन गुड रीज़न व्हाई डू आई हेल्प यू। गिव मी वन गुड रीज़न व्हाई डू आई हेल्प यू। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, क्योंकि जब तुम्हें ज़रूरत थी तब मैंने तुम्हारी मदद की थी। अब ये बता रहा है कि वजह बता रहा है कि क्योंकि जब तुम्हें ज़रूरत थी तब मैंने तुम्हारी मदद की थी। बिकॉज आई डिड हेल्प यू व्हेन यू आर इन नीड। बिकॉज आई डिड हेल्प यू व्हेन यू आर इन नीड, इसको बोलने का एक तरीका और है। हम कह सकते हैं आई हेल्प्ड यू व्हेन यू आर इन नीड, और इस तरीके से बोल सकते हैं आई डिड हेल्प यू व्हेन यू आर इन नीड। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, और अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। एंड नाउ आई एम इन नीड सो यू हैव टू हेल्प मी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, ये कह रहा है क्या हो अगर मैं ना कह दूँ। ये पूछ रहा है क्या कर लोगे अगर मैं ना कह दूँ। तो इसे कहने का एक तरीका है व्हाट इफ आई से नो। क्या हो अगर मैं ना कह दूँ, व्हाट इफ आई से नो। मैं तुम्हें एक खुशहाल ज़िंदगी नहीं जीने दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू लीव अ हैप्पी लाइफ। मैं तुम्हें खुशहाल ज़िंदगी नहीं जीने दूंगा। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, इफ़ यू डू सो अगर तुम ऐसा करते हो आई वॉन्ट लेट यू लीव अ हैप्पी लाइफ। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, इसीलिए बोलने से पहले सोच लेना। तो इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स व्हाई थिंक बिफोर यू स्पीक। सो फ्रेंड, ये सेंटेंस हम बहुत यूज़ करते हैं। हम किससे कहते हैं कि इसलिए बोलने से पहले सोच लेना। इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स व्हाई थिंक बिफोर यू स्पीक। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मुझसे झूठ बोलने के बारे में सोचना भी मत। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कह रही है मुझसे झूठ बोलने के बारे में सोचना ही मत। इस इंग्लिश में बोलेंगे डोंट इवन थिंक अबाउट लाइंग टू मी। मुझसे झूठ बोलने के बारे में सोचना ही मत। डोंट इवन थिंक अबाउट लाइंग टू मी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। आई एम नॉट लाइंग टू यू। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, तुम्हारी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू लाई टू मी। तुम्हारी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू लाई टू मी। तुम उससे ऐसा क्यों करवा रही हो। Why are you making him do it? सो फ्रेंड, यहाँ यू की जगह हिम है। Why are you making him do it? तुम उससे ऐसा क्यों करवा रही हो। Why are you making के बाद him आएगा। Why are you making him do it? तुम उससे ऐसा क्यों करवा रही हो। मैं उससे कुछ नहीं करवा रही हूँ। I'm making him do nothing। मैं उससे कुछ नहीं करवा रही हूँ। I'm making him do nothing। तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो। इंग्लिश बोलेंगे Why are you doubting me? तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो। सो फ्रेंड, ज़रूर बताना कैसी लगी ये वीडियो आपको। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो फ्रेंड जो मेरे पर कमेंट्स आती हैं, मैंने आपसे पहले ही बताया है कि अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो जिसमें मैं ना बोलूँ बल्कि मूवी के कैरेक्टर खुद बोलें, तो वे कॉपीराइट्स की वजह से मैं इस चैनल पर अपलोड नहीं कर सकता। मेरा एक और चैनल है जिस पर मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें मैं नहीं बोलता बल्कि मूवी के कैरेक्टर खुद बोलते हैं, खुद सेंटेंस को बोलते हैं, जिससे कि आप उनकी रियल प्रोनंसिएशन भी समझ पाओगे। सो फ्रेंड, उस चैनल को ज़रूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इस तरह से वीडियो देखना चाहते हो, मेरी आवाज़ में नहीं देखना चाहते हो, तो आप उस चैनल पर जा सकते हो। तुम्हें सारी वीडियो मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है वे भी, जो आपकी हेल्प करेंगी इंग्लिश सीखने में। सो फ्रेंड, चेक करना। वैसे मैं चैनल का नाम भी बता देता हूँ, कॉलेज IQ सर्च कर देना, कॉलेज के बाद IQ लिख देना तो वो चैनल आ जाएगा। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।